हम लोग स्टार्ट करते हैं शिविर जॉइन। टॉपिक हमारा MC24 से रिलेटेड है स्टिल, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबल फर्म्स। ठीक है, सो ऐसे फर्म्स जो कि सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं, ऐसे लोग जो उस फर्म्स को चला रहे हैं, ठीक है ना, तो वो लोग क्या क्या करते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या होगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह के फर्म को हम लोग एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबल फर्म हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, कंपनीज बहुत सारी हैं, बिजनेसेस बिल्कुल बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ कुछ ही हैं जो कि सोसाइटी को ध्यान में रखकर के अपनी एक्टिविटीज को करते हैं। तो ऐसे जो लोग फर्म्स होते हैं जो सोसाइटी की चीजों को ध्यान में रख करके कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज को कर रहे हैं, उनको हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबल फर्म्स बोलेंगे, है ना। उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे हम लोग एक एक करके करेंगे। सबसे पहला है, इनिशियली फाउंडेड बाई फार साइटेड पीपल हु विजिबली सेट द फर्म मोरल टोन। ठीक है, सो इनिशियली जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो इसको तैयार किया, सोशली फर्म रिस्पॉन्सिबल फर्म्स जो जो बनाते हैं, जो स्टार्टअप्स करते हैं या फिर जो बिजनेस करते हैं, वो जनरली फार साइटेड पीपल होते हैं। मतलब उनको, वो विजनरी होते हैं आप बोल सकते हो, ठीक है ना, कि उनको छोटा गोल नहीं चाहिए होता, उनको लॉन्ग टर्म में बड़े बड़े गोल्स को अचीव करना होता है। और जब आप लॉन्ग टर्म में कोई चीज को करना चाह रहे हैं तो देखना जो आपका मोराल होगा वो हाई होगा। आप हमेशा अपने सोसाइटी के बारे में सोचेंगे कि मैं सोसाइटी को क्या दे रहा हूँ। प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, अपना प्रॉफिट तो कमा रहे हो, लेकिन एज ए गुड कंपनी, एज ए सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनी, आप किस तरह के प्रोडक्ट अपने मार्केट में, आई मीन अपनी सोसाइटी को आप दे रहे हो, वो आपका जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज है, और जो कि आप रखोगे जब आप एज ए बिजनेस करोगे, तो आपको वो चीज जो है आपके दिमाग में वो चीज होनी चाहिए। दूसरा है, स्टार्ट टू द बेसिक एंड प्रोड्यूस ओनली हाई क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज फॉर स्पेसिफिक मार्केट नीशेस। मार्केट नीश का मतलब हो गया, नीश का मतलब हो गया कि कोई पर्टिकुलर चीज, है ना। जैसे कि मैं आप लोगों को बिल्कुल कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ, है ना, मैं अपने चैनल पे कॉमर्स पढ़ाता हूँ, तो मेरा नीश क्या है, मेरा नीश कॉमर्स है, मैं कोई और सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा, राइट। सो नीश का यस मतलब हो गया कि कोई पर्टिकुलर चीज जिसके ऊपर में आपका कमांड बहुत अच्छा है। तो आप क्या कर रहे हो कि आप बेसिक सी चीजें प्रोड्यूस कर रहे हो और हाई क्वालिटी की चीजें प्रोड्यूस कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस कर रहे हो फॉर ए स्पेसिफिक मार्केट नीश, मार्केट में जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप कर रहे हो। यहाँ पे जो मेन लाइन है वो ये है कि हाई क्वालिटी गुड्स, जो भी गुड्स आप रेडी कर रहे हो मार्केट में जाने के लिए, वो सभी के सभी जो है हाई क्वालिटी है, एंड सर्विसेज भी जो है आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हो। तीसरा यस कैरेक्टरिस्टिक इसमें आ जाएगा, डेवलप पब्लिक इमेज दैट इम्फेसाइज दैट कमिटमेंट टू क्वालिटी एंड ऑफन यूज नॉन ट्रेडिशनल मीन्स टू प्रमोट इट, है ना। तो यहाँ पे एक तरीके से वो लोग जो कंपनीज सोशली रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वो लोग अपना इमेज इस तरीके से तैयार करती हैं कि वो लोग सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए वो लोग कमिटेड हैं। उनका काम सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, उनका काम है कि सोसाइटी को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सके, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ा देना, है ना, ताकि प्रोडक्ट जो चीज 6 महीने चलनी चाहिए वो 1 साल चल जा रही है, राइट। सो एक बिल्कुल पब्लिक इमेज आप तैयार करते हो अपना, एक अपना कमिटमेंट शो करते हो रिगार्डिंग द क्वालिटी, रिगार्डिंग द सर्विसेज दैट यू आर प्रोवाइडिंग टू द मार्केट और सोसाइटी, और आप उसको प्रमोट करने के लिए नॉन ट्रेडिशनल मीन्स का भी यूज करते हो। ट्रेडिशनल मीन्स क्या है कि हम लोग ऐड चला रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, ऐड चला रहे हैं, यहाँ पे आप नॉन ट्रेडिशनल मीन्स का भी यूज करोगे। फ्री सैंपल आपने दे दिया, किसी को फ्री में सामान दे दिया, कोई ऑफर आपने ऐसा रखा कि लोग आए और लेकर के चले गए, मतलब आप यहाँ पे जो ट्रेडिशनल मीन्स है, जो ट्रेडिशनल तरीके हैं प्रमोट करने के, एडवर्टाइज करने के, वो ना करके आप नॉन ट्रेडिशनल चीजें कर रहे हो, ठीक है ना। सो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है एक सोशली रिस्पॉन्सिबल फर्म का। चौथा है, फर्मली प्रैक्टिस द ड्यूअल प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे आपको सेल्फ मैनेजमेंट भी करना होगा, खुद से भी चीजों को करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको डिसेंट्रलाइजेशन भी करना होगा। डिसेंट्रलाइजेशन और सेल्फ मैनेजमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों ही एकदम वाइस वर्सा है। सेल्फ मैनेजमेंट की खुद से आप मैनेज कर रहे हो, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि आप खुद से मैनेज नहीं कर रहे हो। तो आपको डुअल प्रिंसिपल पे काम करना पड़ेगा, जहां पे आपको ज्यादा मैनेज करने की जरूरत है आप वहां पे करो, लेकिन साथ ही साथ आप अपने बिजनेस को डाइवर्स करने के लिए आप उसको डिसेंट्रलाइज कर दो। जैसे कि एक कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, अब सारे डिपार्टमेंट में क्या होगा, कब होगा, वो सारी चीजें अगर मैं ही डिसाइड करूं तो बिजनेस हो गया, उसमें डिसीजन लेने में बहुत देर होगा, बिजनेस भी बहुत स्लो चलेगा। लेकिन अगर आपने हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग 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 मैनेजर रख दिया, तो वो तो आपके काम को कर रहे हैं, आपका काम सिर्फ बिजनेस चलाना है। तो बिजनेस को मैनेज करने का काम आप कर रहे हो, लेकिन बिजनेस के अंडर में जो डिपार्टमेंट्स हैं उसको मैनेज करने का काम कोई और कर रहा है। तो एट द सेम टाइम दोनों चीजें हो रही हैं, सेल्फ मैनेजमेंट भी हो रहा है और डिसेंट्रलाइजेशन का वर्क भी हो रहा है। और किसी भी बिजनेस को बड़ा बनने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन करना जरूरी है, आप सारे काम को एक साथ नहीं कर सकते हो।
है ना। तो चौथा कैरेक्टरिस्टिक ये हो ओके जाएगा। पांचवा कैरेक्टरिस्टिक है ब्रॉट इन आउटसाइड पीपल टू प्रोवाइड नीडेड टैलेंट एंड ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव्स, है ना। एडिशनल पर्सपेक्टिव्स का क्या मतलब होता है कि देखो मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूँ या मेरा जो नजरिया है किसी काम को करने का या उस तरीके उस काम को कैसे किया जाए उस चीज को करने का जो मेरा नजरिया है, जरूरी नहीं है कि बगल वाले का नजरिया भी सेम हो। अलग अलग तरह के लोग रहेंगे तो सबका अलग अलग नजरिया होगा, सबका अलग अलग काम करने का तरीका होता है ना। तभी ना कोई सक्सेसफुल होता है, कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि आप सिर्फ कुछ लोगों पे मत टिके हुए रहो, आप बाहर से लोगों को लेकर के आओ अपने बिजनेस में और उनके टैलेंट को यूटिलाइज करो, उनके टैलेंट को एक्सप्लॉइट करो और देखो कि उनका क्या पर्सपेक्टिव है। उससे क्या होगा कि आपको एडिशनल पर्सपेक्टिव भी मिलेगा और आपको टैलेंटेड लोग भी मिलेंगे जो बाहर से आकर के आपकी कंपनी के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है सोशली रिस्पॉन्सिबल फर्म्स का। छठा पॉइंट है इनकरेज ऑल एम्प्लॉइज टू बिकम पार्ट ऑफ शेयर्ड मिशन थ्रू फुल वर्कर पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन, है ना। देखो कोई भी एम्प्लॉई को बिलोंगिंगनेस तब महसूस होगा जब आप किसी बड़े बड़े चीजों पे, बड़े बड़े डिसीजन पे आप उनका राय उनसे पूछेंगे, ठीक है। मैं सपोज बहुत ही छोटा सा एम्प्लॉई हूँ किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, क्या जरूरत है मेरे बॉस को मेरे पास आकर के पूछने के लिए कि भाई तुम्हारा क्या कहना है, मैं ये करने वाला हूँ तुम इस बारे में क्या सोचते हो, उसको कोई जरूरत नहीं है ना। लेकिन सोचो कि कोई छोटा एम्प्लॉय अगर किसी उसका बॉस उसके पास आकर के इस तरह का सवाल उससे पूछ रहा है तो उसका मोराल कहाँ जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा, वो उस कंपनी के लिए और ज्यादा मेहनत करेगा क्योंकि उसको लगेगा कि नहीं कि उसका उसका वो कंपनी सिर्फ मालिक का नहीं, वो कंपनी उस एम्प्लॉय का भी है, उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ जो बात बोली गई है ना कि शेयर्ड मिशन, जो मिशन है, जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है पूरा करने का, वो शेयर्ड होना चाहिए, सबका होना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप फुल वर्कर पार्टिसिपेशन लेकर के आएंगे डिसीजन मेकिंग में, एंड दैट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशली रिस्पॉन्सिबल फर्म्स, ठीक है। सेवेंथ पॉइंट है पेड फेयरली एंड यूजुअली ऑफर्ड बेनिफिट पैकेजेस एक्सीडिंग द कॉम्पिटिशन, ठीक है। सो आपको पे करना है उसको, उनको फेयरली जो भी सैलरी उनको बनती है वो आपको देना है। आकांक्षा आप कुछ कह रही हैं? नो सर। ओके, ठीक है। सो पेड फेयरली, सही तरीके से पे करना, आई मीन एम्प्लॉइज को टाइम पे पेमेंट देना, है ना, और उनको बेनिफिट देना, पैकेजेस एज इन यहाँ पे बात की जा रही है कि किसी ने कुछ अगर अच्छा परफॉर्म किया है ना, तो उसको उसके अकॉर्डिंग जो है आप उसको रिवॉर्ड प्रोवाइड करो, है ना। तो ये बहुत ही कॉमन चीज है, ये हर एक तरह के बिजनेस में होता है, चाहे वो सोशली रिस्पॉन्सिबल हो या ना हो, बट सोशली रिस्पॉन्सिबल जो लोग होंगे वहां पे इसका प्रैक्टिस होना ही होना है, वो लोग करते हैं ऐसा, ठीक है ना। करते हैं तो जैसे सातवां नंबर पॉइंट में ये हो जाएगा। आठवां नंबर पॉइंट है इम्फेसिस दैट डेमोक्रेटिक पीपल ओरिएंटेशन एंड डिड विदाउट एग्जीक्यूटिव पर्क्स, है ना। तो यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सिनेरियो की यहाँ पे बात की जा रही है कि हर एक बंदे से आप पूछ रहे हो कि किस तरीके से काम करना है, क्या करना है, कैसे करना है, सबका अपना अपना एक से है ना। ऐसा नहीं है कि जो एग्जीक्यूटिव है जो हाईएस्ट लेवल पे है उसको कुछ अलग से बेनिफिट मिल रहा है और जो लोअर लेवल पे है उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, सबका अपना अपना से है। ऑब्वियसली जो थोड़ा एग्जीक्यूटिव है जो हाईएस्ट लेवल पे है उसको डिफरेंटली थोड़ा बहुत ज्यादा पर्क्स मिलता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि नीचे वाले जो है वो एकदम गए गुजरे हैं, उनका कोई से नहीं बनता है। तो आपको एक डेमोक्रेटिक पीपल ओरिएंटेशन वहां पे करना होगा, डेमोक्रेटिकली जैसे चीजें वर्क होनी चाहिए वैसे ही चीजें जो है आप अपने बिजनेस में करते हो, तो फिर हम उसको एक सोशली रिस्पॉन्सिबल फर्म बोलेंगे। नाइन्थ नंबर पॉइंट है कॉन्स्टेंटली सॉलिसिटेड फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स ऑन ऑल सब्जेक्ट्स फ्रॉम प्रोडक्ट डायरेक्शन टू कॉर्पोरेट डोनेशन, है ना। तो नौवा नंबर पॉइंट में क्या बोला गया है कि कॉन्स्टेंटली आप फीडबैक ले रहे हो। सॉलिसिटेटेड का मतलब हो गया एक तरीके से कि आप यू नो इंस्टेंट एसोसिएटेड फीडबैक, जैसे मैंने अभी कुछ काम किया आप उसी के ऊपर तुरंत फीडबैक लेने की कोशिश कर रहे हो ताकि चीजें मैच हो पाए। अगर आपको किसी चीज का फीडबैक एक महीने बाद मिल रहा है तो उस चीज का यूज कुछ नहीं हो पाएगा, है ना, आप भूल भी जाओगे, तो फीडबैक वो नाम का ही हो जाएगा। तो सोलिसिटेड इज लाइक कनेक्टेड फीडबैक जो कि कस्टमर से आप लेते हो ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स, वेदर इट इज प्रोडक्ट जो आप प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हो उसके बारे में हो या कॉर्पोरेट में डोनेशंस के बारे में, कॉर्पोरेट में बहुत डोनेशंस आते हैं, बहुत दिए भी जाते हैं, तो उसके बारे में भी अगर लोगों का क्या कहना है, लोगों का क्या फीडबैक है, आपका काम है उस चीज के बारे में आपको जानकारी रखना, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक। टेंथ नंबर पॉइंट है टॉप मैनेजर्स पोजेस्ड एन एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ करेंट इवेंट्स
एंड टुक अ वाइड रेंजिंग इंटरेस्ट इन अफेयर्स आउटसाइड देयर बिजनेस, है ना। जो टॉप मैनेजर्स होते हैं, जो हाईएस्ट लेवल के मैनेजर्स होते हैं, उनके पास एक्सटेंसिव नॉलेज होता है, बहुत ज्यादा नॉलेज होता है करंट इवेंट्स का, कि उनके बिजनेस से रिलेटेड चीजों में क्या क्या हो रहा है, जो उनका सेक्टर है, उसके बिजनेस का जो सेक्टर है वहां पे चीजें किस तरीके से काम कर रही हैं, है ना, और उसका बाहर के बिजनेसेस के साथ क्या अफेयर्स है, क्या इंटरेस्ट है ना। जो भी आप एक्टिविटी करोगे उसका बाहर में क्या असर पड़ेगा, या बाहर में जो चीजें हो रही हैं उसका आपका बिजनेस पे क्या असर पड़ेगा, ये जो नॉलेज है वो मैनेजर्स के पास होता है, होना ही चाहिए, नहीं तो बिजनेस आप रन कैसे करोगे, है ना। सो मैनेजर्स के पास ये सारी चीजें होंगी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक। 11 नंबर पॉइंट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ऑफर डोनेशंस इन कैश और सर्विसेज टू पीपल नीड ऑफ हेल्प, तो ये तो होना ही चाहिए, है ना। कोई भी कंपनी के पास पैसे अथाह होते हैं, बहुत बड़े ज्यादा पैसे उनके पास होते हैं, तो उनके पास जो पैसे हैं उनको अपने पैसे का कुछ हिस्सा, 5%, 10% या 2%, जितना भी है, अगर 1 करोड़ का 2% भी निकाला जाए तो वहां पे 10 लाख रुपए तो हो जाते हैं, आई मीन 2 लाख रुपए तो हो जाते हैं। तो जो भी जरूरतमंद लोग हैं, जो नीडी पीपल्स हैं, आप उनको डोनेशंस ऑफर कर सकते हो, आप उसको कैश दे दो या कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर दो, है ना। तो 11 नंबर ये भी जो है एक कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा सोशली रिस्पॉन्सिबल फर्म का। 12 नंबर पॉइंट है टू कैन एक्टिव रोल इन द ऑपरेशन ऑफ देयर लोकल कम्युनिटीज। तो जो लोकल में कम्युनिटीज हैं, अगर आपकी कम्युनिटी में किसी को कुछ प्रॉब्लम है, जो कम्युनिटी जो सोसाइटी होती है उसमें अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आपको नजर आता है, कम्युनिटी का प्रॉब्लम, एक आदमी का नहीं, किसी कम्युनिटी का प्रॉब्लम, सपोज कहीं पे पानी का जो पाइपलाइन है वो एक ही है, पानी का सप्लाई किसी एक ही नल में होता है, दूसरा आप बिछवा दो, गवर्नमेंट से बात करके, डीएमसी जो वहां पे म्युनिसिपैलिटी होती है उनसे बात करके दूसरा आप बिछवा दो, आप अपने पैसे पे कर दो, है ना। सो आप इस तरह से चीजें कर सकते हो कि एक एक्टिव रोल प्ले करना है लोकल कम्युनिटीज में, जिसको जिस चीज की जरूरत है उसको वो चीज प्रोवाइड कराना कम्युनिटी को, एक इंडिविजुअल बंदे को नहीं, ठीक है ना। सो उस तरह के काम आप किए जा सकते हो, तो उसको वो भी एक सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनी का एक कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। 13वां नंबर पॉइंट है डील विद लाइक माइंडेड बिजनेसेस एंड एनकरेज देयर एम्प्लॉइज टू डू द सेम, है ना। लाइक माइंडेड बिजनेसेस मतलब जो ऐसा बिजनेस जो कि सेम तरह का दिखे, मतलब सेम हो और आप उसको पसंद करो, है ना। जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उसमें आपको वो मजा आना चाहिए, मजा नहीं आएगा तो फिर आपको वो बिजनेस कर नहीं पाओगे, है ना। सो लाइक माइंडेड मतलब जो सेम तरह का चीज आप सोच रहे हो, जैसे मैं कुछ सोच रहा हूँ, मेरे जो साथ में दोस्त है वो भी सेम तरह के बिजनेस के बारे में सोच रहा है कि कैसे उसको ग्रो करना है, कैसे चलाना है ना। सो लाइक माइंडेड सेम तरह का माइंडेड जो बिजनेसेस होगा उसको एनकरेज करना, है ना, और बाकी के एम्प्लॉयर्स को भी एनकरेज करना कि आप भी इसी तरीके से करो, है ना। देखो अच्छी चीजें सभी को पसंद आती है, कुछ अगर आप किसी के लिए भला करोगे तो वो चीज सिर्फ आपको नहीं पसंद आएगी, आपके साथ जो है उसको भी पसंद आएगी। तो उस तरह की चीजें जो है वो की जा सकती हैं बिजनेस में रहते हुए, और साथ में करने से चीजें और बेहतर होती हैं, ठीक है ना। सो उसको एनकरेज किया जा सकता है, बाकी सारे एम्प्लॉयर्स को, एम्प्लॉयज को एनकरेज किया जा सकता है कि भाई आप लोग भी ये चीजें करो, है ना। एम्प्लॉयज के लिए तो पॉसिबल नहीं है, एम्प्लॉयर्स के लिए ही पॉसिबल है, बिकॉज एम्प्लॉयज जो पैसे कमाते हैं वो तो घर पे अपना यूज करते हैं, है ना। जो एम्प्लॉयर्स हैं जो बिजनेस पे लोगों को रखते हैं उनके पास काफी पैसा होता है, ठीक है ना। सो वो हो गया। 14वां नंबर पॉइंट है कॉन्स्टेंटली लुक टू द फ्यूचर बट ऑलवेज पे अटेंशन टू द पास्ट, है ना। हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में सोचो कि फ्यूचर में क्या करना है, लेकिन आपको अटेंशन पे करना है आपके पास्ट को भी और प्रेजेंट को भी। प्रेजेंट कैसे काम कर रहा है वो तो आपको आइडिया है, लेकिन पास्ट में आपने कैसा काम किया हुआ है इसके ऊपर भी आपको अटेंशन पे करना पड़ेगा, ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो। फ्यूचर अच्छा बेहतर बनाने के लिए पास्ट में क्या क्या गलतियां आपने की हैं, क्या क्या चीजें गलत हुई हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप फ्यूचर में और आगे बढ़ पाओगे, है ना। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है, कॉन्स्टेंटली लुक टू द फ्यूचर बट ऑलवेज पे अटेंशन टू द पास्ट, ठीक है। तो दैट्स इट, दैट्स टुडेज टॉपिक। टॉपिक जो है काफी इजी था, 14 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, 10 मार्क्स में आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आ जाए। टॉपिक है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबल फर्म, ठीक है। तो दैट्स इट, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक? नो सर। नो सर। सर कह रहे एक क्वेश्चन का आंसर टोटल कितने पेजेस में देना पड़ेगा? जस्ट अ सेकेंड। हेलो। ओके, हाँ। अच्छा देखिए, तो आपका सवाल है एक क्वेश्चन का आंसर कितने पेज में देना है। देखो अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है आकांक्षा, तो मिनिमम यस चार पेज बोथ साइड, सर। ओके एक सर, तो पेज का ये सर बोथ साइड। सारा यस सर, सर तो सारा ये जो पॉइंट है सर, इसको तो थोड़ा बड़ा कर कर लिखना पड़ेगा ना। नहीं, ये 10 मार्क्स में अट जाएगा, ये 10 मार्क्स में काफी है, 2 पेज आराम से लग जाएगा इसमें, 2 पेज से ज्यादा ही सर लगेगा सपोज ये। अगर यही क्वेश्चन अगर अगर मतलब 20 मार्क्स का आ गया तो?
तो फिर आपको थोड़ा सा इसमें बना बना के लिखना पड़ेगा, कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह आपको डालना पड़ेगा, ठीक है ओके ना। सर, टाटा का आप एग्जाम्पल दे सकते हो, टाटा जो कंपनी है वो सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनी है, सोसाइटी के बारे में सोचती है, बहुत कुछ है उनका। सर सर कह रहे एग्जांपल्स दे के पॉइंट्स को बड़ा, सर इसी पॉइंट्स को बड़ा नहीं कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसी पॉइंट्स को और डिफरेंट तरीके से लिख करके बड़ा किया जा सकता है, डेफिनेटली किया जा सकता है। एग्जाम्पल ओके देने से सर, थोड़ा दिखने में बेहतर छोटा है लेकिन लगेगा, मैं वो वो बता जब रहा हूँ। दिखेंगे ना तो बड़ा हो जाएगा। दिखने हाँ में ये छोटा लगता एक्चुअली है देखने लेकिन में जब छोटा दिखने लग रहा में है, जब आप इसको लिखना स्टार्ट करेंगी, ये 10 मार्क्स का चार क्वेश्चन पेज भी से जाएगा। तकरीबन मुझे लग रहा है 3 पेज आराम से लग जाएगा जब आप लिखना स्टार्ट बिल्कुल करोगे। बिल्कुल, ठीक यस सर, है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन याद रखना कि मिनिमम 4 पेजेस बोथ साइड इंक्लूडेड, 4 पेज मिनिमम लिखने ही हैं, उसके ज्यादा आप जितना भी लिख लो, 4 पेज तो कम से कम लिखना ही पड़ेगा। 10 मार्क्स का टेन सर। मार्क्स का 2 पेज बोथ साइड, सामने पेज में फिर उसके बाद वाले पेज में, काफी है। उससे ज्यादा रहेगा तो अच्छा रहेगा, बट इतना अगर आप लिख दोगे तो आराम से 6 7 नंबर 8 नंबर आराम से मिल जाएंगे आउट ऑफ 10। और सर सभी मतलब सभी क्वेश्चन को मिला के कितना टोटल पेज होने चाहिए मिनिमम? सभी क्वेश्चन मतलब पांचों क्वेश्चन? हाँ 5 क्वेश्चन पूरा जो अपना। हाँ तो 4 पेज करके आप 5 क्वेश्चंस का देख लो, आप कितना हो जाएगा, 20 क्वेश्चन 20 पेजेस हो जाएंगे। ट्वेंटी 20 20 ट्वेंटी मिनिमम, 20 तो लिखना ही है, हाँ 20 मिनिमम 20 यस लिखना ही हो 20 लिखना ही है सारे में, वो हो जाएगा। अगर नॉलेज, अगर आप एक चीज को जाएगा बार बार आराम से। पढ़ रहे हैं ना, तो आप उसको अलग अलग तरीके से सोचते हैं, तो लिखते टाइम भी देखना, वो आप अलग अलग तरीके से उसको लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं एक्सक्यूज आएगी। मी सर, पार्ट है कि इसको पढ़ना। यस सर, सर कह रहे कोई क्वेश्चन है सर, अगर उसका पॉइंट्स याद किए सर, उसका तो मतलब खुद से ही सेम, मतलब कि अपने लैंग्वेज में तो लिख ही सकते हैं, है ना, बिल्कुल अगर बिल्कुल उसको वही समझ करना कर है। जाएंगे तो। हाँ जी हाँ सर, पॉइंट बनाने का है ना सर, पॉइंट बनाने का है और अपने लैंग्वेज में लिखने का है ना, बिल्कुल बिल्कुल, अपने जो अपने अपने को लैंग्वेज में सटीक जितना लगे। रहेगा उतना बेहतर है। हालांकि जो मैंने लैंग्वेज यहाँ पे यूज किया है, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये बुक का नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से हाँ भी ये किया जा बुक का सकता नहीं है, लग बट रहा है थोड़ा सर। बहुत मॉडिफाई करके कीजिएगा। हाँ ओके करेंगे सर, सर, समझ हाँ में आ रहा है सर, बुक का तो नहीं लग रहा है पूरा। आपने हाँ एकदम सेम टू सेम वर्ड हो को भी नहीं छोटा छोटा पाता वर्ड है को उठाया क्या? क्या है, आपने छोटे छोटे वर्ड को उठाया है और जो रेगुलर यूज जो होता है ना वो वर्ड को हाँ उठाया ज्यादा ज्यादा आपने, राइट राइट, ठीक है। तो और अगला इसे क्लास समझना होपफुली हम आसान लोग होगा। कल करेंगे, कल फ्राइडे शाम को शायद, थोड़ा लेट से करें बट मैं बता चलेगा दूंगा, सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है? हाँ अगर लेट कोई ही करते हैं सर। प्रॉब्लम, यस क्या सर, क्या आकांक्षा? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर 8 बजे के बाद भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, 8 साढ़े 8 ओके ठीक 9 बजे तक। है, बेस्ट यस बेस्ट, सर, वैसा ही करेंगे सर। एक्सक्यूज मी सर, सर कह रहे हो री रजिस्ट्रेशन का प्लीज, अगर कुछ आएगा, अगर नोटिफिकेशन, तो प्लीज आप बता दीजिएगा, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसको लेकर के निश्चिंत रहिए, वो मैं आपको बता दूंगा। ओके सर, सर अभी ठीक, तक तो कुछ वैसा नोटिफिकेशन नहीं आया ना री रजिस्ट्रेशन लेट मी शो यू, देखो कैसे चेक करना है। इग्नू का? का ओके वेबसाइट पे जाना है, इग्नू वेबसाइट आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे? जी, यस सर, ये हम लोग गए इग्नू की वेबसाइट पे, जस्ट यस सर, अ सेकेंड, लेट इट ओपन। हाँ ये ओपन हो गया, नीचे की तरफ आओगे यस यहाँ सर, पे, यहाँ पे देखो ये जो चीजें हैं ना, यहाँ पे मेरिट लिस्ट एंड सेकंड कंबाइंड वेटिंग लिस्ट फॉर एडमिशन इन आईटेब, ये वाला डेट यस शीट सर, फॉर कंडक्ट, ये वाला, इस तरह से ना यहीं पे आपको एक लाइन दिखेगा और जिसमें लिखा होगा री रजिस्ट्रेशन के बारे में, ये जो रजिस्ट्रेशन अलर्ट क्या यहाँ होता लिखा है ना इसी में है रहेगा, रजिस्ट्रेशन? ठीक है? रजिस्ट्रेशन मतलब सर, उसका मतलब होता है सेकेंड ईयर में एडमिशन, मतलब जो अपना थर्ड सेमेस्टर का। यस, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर का एडमिशन जो है, वो ओके आपका एग्जाम हो ना हो, रिजल्ट आए ना आए, वो करवा लेना है, क्योंकि अगर आप 6 महीने बाद करवाओगे ओके, ना क्वेश्चन, तो 6 महीने आपका कोर्स एक्सटेंड हो जाएगा, नहीं नहीं ओके, बराबर पहले ठीक करना है? पड़ेगा। जैसे जनवरी में आपने एडमिशन कराया, तो आपने दिसंबर में दे दिया एग्जाम सारा, है ना, तो अभी फिर से जनवरी में आपको सेकेंड ईयर का एडमिशन करा लेना होगा, हालांकि वो दिसंबर 15 के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि स्टार्ट हो जाएगा री रजिस्ट्रेशन, ठीक है? तो वो करवा लीजिएगा, ताकि फिर अगला जो फाइनल एग्जाम है आपका अगले साल दिसंबर तक पूरा कंप्लीट हो जाए। अगर आप ओके दिसंबर में किसी सर, कारण से छोड़ देते हैं और जुलाई में करवाते हैं नेक्स्ट ईयर, तो फिर वो फिर अगले जुलाई में खत्म होगा, समझ रहे हो? तो वो 6 महीना ना एक्सटेंड हो जाता है, तो वो गलती नहीं करना है, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ ये नहीं बात, और उसको लेकर के टेंशन मत लो आप लोग, मैं बता दूंगा कब कराना है। सर, और री यस रजिस्ट्रेशन के लिए सर, सर सिर्फ एनरोलमेंट नंबर ही चाहिए ना?
हाँ बस बस एनरोलमेंट नंबर और पेमेंट बस और उसको कुछ फीस नहीं। ये बस है ना सर, फीस ये बस उसका, जी उसको सिर्फ फीस चाहिए ना इग्नू को। हाँ हाँ बस फीस चाहिए, डिटेल्स तुम लोगों के पास है ही, सेकेंड ईयर में आप क्या पढ़ोगे ये भी पेमेंट आपको पता है, इग्नू को भी पता है, आपको बस वहां पे लॉग इन करके पेमेंट करना है, सिंपल। करने का ओके ओके। सर, हाँ ठीक है। तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, वो तकरीबन 2 से 3 महीने वो प्रोसेस चलेगा, वो तुरंत खत्म नहीं होता है, ठीक ठीक है सर, ना? जैसे सुनो ही जो ये आएगा डाउट है। नोटिफिकेशन आप अपडेट कर देना सर। हाँ, ठीक है ना? तो आप लोग अपने से तैयारी करते रहिए, किसी टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए, उसके ऊपर फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, सर इसमें MCO5 में तो सर हमारा प्रैक्टिकल ही होता है सर, तो थ्योरी पे ही फोकस करते हैं ना? हाँ थ्योरी में फोकस कीजिए, मैं प्रैक्टिकल देखता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा टू बी ऑनेस्ट, बट थ्योरेटिकल काफी है, थ्योरीज प्रैक्टिकल काफी है अभी टू पास द हो भी एग्जामिनेशन, नहीं बट पाएगा सर, प्रैक्टिकल के लिए उतना टाइम ही नहीं है हाँ मेन बात वो भी है। सही बात और अभी से सर, आपको वो क्योंकि उसके लिए सारी प्रैक्टिस भी तो चाहिए ना सपोज, क्योंकि अगर अगर सॉल्व करेंगे सर तो करेक्ट भी तो होना चाहिए ना, तो उसके लिए तो प्रैक्टिस भी तो करना पड़ेगा ना। राइट, ये भी सही है, लेकिन कई बार ना आकांक्षा क्या होता है कि स्टेप मार्किंग होती है अकाउंटेंसी में, हम लोग जो करते थे मतलब हमारे सब्जेक्ट में हाँ स्टेप समझता मार्किंग है, होती है, ठीक है? मतलब करना ही तो करना सपोज है। आपको पता है कि किसी टॉपिक को कैसे करना है, तो जहां तक भी आप कीजिएगा वहां तक का मार्क्स तो आपको मिल जाएगा। बट मैं बोलूंगा हाँ कि अगर सर एग्जाम में 5 क्वेश्चन आपको थ्योरिटिकल मिल जा रहे हैं तो सम्स छूने का जरूरत नहीं है, हाँ, थ्योरी मार देने का पड़ा पड़ थ्योरी है ही ना सारा सर। कीजिएगा। बट अगर नहीं हो पाए तो सम्स के लिए हम कुछ कुछ फॉर्मूलाज वगैरह जो हम बता रहे थे कि हम बताएंगे, वो मैं देखता हूँ, मैं टाइम निकाल करके थोड़ा उसको रेडी कर लेता हूँ, तो आप वहां से थोड़ा बहुत उसको जस्ट एक बार देख लेना, अगर एग्जाम में यूजफुल रहा तो रहा, नहीं तो थ्योरी तो इतना तो मिल ही जाएगा कि आप कर लो यस सर, सर, ठीक है? यस सर, यस सर, सपोज अगर कुछ यू इम्पोर्टेंट फॉर्मूलास पढ़ भी लेंगे सर, तो अगर स्टेप का तो मतलब कि मार्क्स वगैरह मिलेगा ही, अगर पूरा आंसर कंप्लीटली आता भी नहीं है तो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल स्टेप मार्किंग तो रहता ही है, ठीक ओके सर, है, डोंट वरी, ठीक है देन, फिर कल मिलते हैं, मैं व्हाट्सएप पे बता दूंगा कब करना है अगला क्लास, ठीक ना? ओके सर, कल थैंक मोस्ट यू सर, प्रोबेबली बाय। शाम में 8:30 बजे के बाद ही करेंगे, ठीक हाँ चलेगा सर, है? 7:30 बाद ही अच्छा ठीक रहेगा। है, या यस यस ओके देन, गुड ओके नाइट सर, गाइस, ओके सर, थैंक यू, गुड बाय। नाइट यस सर, गुड सर, नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।